गार्ड के लिए देखिए, तो तेलंगाना में जो है ये ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की डिलीवरी करने जा रहे हैं और इनफैक्ट शुरुआत कर भी दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने जो है एक स्टार्टअप कंपनी स्काई एयर के साथ करार किया है और तेलंगाना सरकार की एक योजना है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना। इसके तहत अगर आप देखें तो 9 सितंबर से इसकी शुरुआत हो गई है और 17 अक्टूबर तक जो है पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से इसकी डिलीवरी की जाएगी। और इनफैक्ट हमें याद आता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कि कैसे जो सरकार ने कंप्लायंस आसान किया और जो ड्रोन पॉलिसी में लिबरलाइजेशन की है, नियम आसान किए, इसके चलते लॉजिस्टिक स्पेस में अगर आप देखें तो बड़ा रिफॉर्म और बड़ा परिवर्तन देखने को जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज हमें याद आता है, स्टॉक हमने आपको बताया था, जिस तरह से बताया उस तरह से कंटिन्यूस हर रोज सर्किट मार रहा है, करीब करीब देखे तो दुगने से ज्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार जो है क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि कितना बड़ा रिफॉर्म है और इससे ड्रोन के माध्यम से जो लॉजिस्टिक है डिलीवरी, इसके लिए कितना बड़ा स्कोप खुलते हुए जा रहा है। सबसे पहले कि इससे पहले जब ड्रोन पॉलिसी नहीं आई थी, इससे पहले जो कंप्लायंस था काफी स्ट्रिक्ट था, अब 25 की जगह केवल 5 फॉर्म्स की आवश्यकता होगी और सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वो 3,000 से घटाकर नॉमिनल 100 रुपए कर दिया है। और बड़ा रिफॉर्म ये भी कि ग्रीन जोन में आपको ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए जो है अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। और अच्छी बात ये भी है कि देश का 2/3 हिस्सा, यानी मेजोरिटी पार्ट अगर आप देखें तो सेंसिटिव एरियाज को छोड़कर वो ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है और माइक्रो ड्रोन के लिए जो है पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा कि पूरे स्पेस काफी ज्यादा बजेंगे, जेन टेक्नोलॉजीज में तेजी आ रही है और अन्य लॉजिस्टिक स्पेस के जो स्टॉक्स है वहां पर भी फोकस बनता हुआ जा रहा है। लेकिन ब्लू डार्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आप देखें कि अन्य लॉजिस्टिक्स के जो ट्रिगर है वो भी काफी शानदार है। सबसे पहली बात कि इसका जो प्रमोटर बैकग्राउंड है बहुत बढ़िया, दुनिया की नंबर वन जो कंपनी है DHL, ये कंपनी के प्रमोटर हैं और एयर लॉजिस्टिक्स के माध्यम से यहाँ पर करीब 49% मार्केट शेयर आता है। इतना बड़ा स्केल है इनका कि हर सेकंड में 16 शिपमेंट जो है पूरे करते हैं और इनकी जो फ्लीट अगर आप देखें वाहनों की तो काफी बढ़िया है। 6 बोइंग एयरक्राफ्ट से इनके पास करीब 22,663 जो वाहन इनके पास, और FY24 तक कोटेक सिक्योरिटीज की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहां पर ये माना जा रहा है कि इनके मुनाफे में जो है 34% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ढेर सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से जो डिलीवरी है वो